हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैक्टर बाजी में। आज हमारे सामने खड़ा मेस्सी फर्गुसन 241 DI जे सीरीज का ट्रैक्टर है, जो कि 2500 सीसी के 3 सिलेंडर इंजन के साथ आता है और 42 HP का ट्रैक्टर है। 35.7 HP इसकी PTHP है और लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1700 किलो की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। और जो किसान भाई इस ट्रैक्टर को चलाते हैं, उनसे सारी डिटेल्स जानने वाले हैं इस ट्रैक्टर की, इसमें क्या क्या खासियतें हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हम इसके फ्रंट टायर की प्रोफाइलिंग की, तो 600 के फ्रंट टायर के साथ है। और बात करें हम इसके रेयर टायर की, तो इसका रेयर टायर है 12/4/28 के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं, पहले उन्हें एक अपना छोटा सा परिचय करा दीजिए। जिला आप ग्राम खिलवाई, नाम दीपांशु तिवारी। तो ये मेस्सी फर्गुसन 241 जो आप ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा हुआ, ये कब लिया गया ट्रैक्टर है? हमारे जन्म से पहले ही है ये। फिर भी कौन से सन में लिया गया है? सन क्या होता, तो हमारे दादा ने दिया। अच्छा, तो आपको सन की नहीं पता इसके प्रॉपर? ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर में आपको सबसे यूनिक चीज क्या लगती है, मतलब किसी और ट्रैक्टर में ना लगती हो? मैं यू है, और ट्रैक्टर के मुकाबले तेल में खर्चा बहुत कम है, जुताई का, रोली पे, हैरो पे, टिलर पे, 7 फुटा रूटरवेटर। अब जैसे हमें बता रहे हैं कि रूटरवेटर 7 फुटा बिल्कुल मखर की तरह चलाता, पहले तो ये बताइए। हाँ, बिल्कुल जैसे कहते हैं लोड फ्री वाला। हाँ बिल्कुल ऐसे चलाता। हाँ, तो कोई खर्चे में जैसे हैरो टेलर और रूटर में डिफरेंस आता हो खर्चे में? कोई तेल रूटर वेटर पे थोड़ा ज्यादा तेल लग गया है, इन पे कम लग गया, हैरो पे। अच्छा, तो तेल खर्चे की वजह से आपने मेस्सी प्रेफर किया। हाँ। वैसे बात करें, कुछ ऐसे यूनिक फीचर भी होते हैं हर ट्रैक्टर के, जो जिससे किसान सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। सही है, ये कहते हैं कि इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी और जो लिफ्ट की सेंसिंग है, कि लिफ्ट एक बार खेत में एक बार डालने के बाद दोबारा लीवर पे हाथ नहीं लगाना पड़ता, वाकई में ऐसा है या फिर सिटी और लिफ्ट सेंसिंग वगैरह सब बिल्कुल बढ़िया है। इसमें एक बात और है जी, इसकी लिफ्ट की सेटिंग कर दो, यहाँ तुम्हें करनी है, अगर बढ़िया चलेगा, मतलब एक बार करके छोड़ दो, दोबारा लिफ्ट, दोबारा लीवर पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये बात बहुत बढ़िया लगी हमें। अच्छा, और हमें ये बात आती नहीं। और कौन कौन से ट्रैक्टर आपने आज तक चलाए? वैसे महिंद्रा चला लिया, और कोई 265 मैक्सी है। तो मेस्सी और महिंद्रा में आपको क्या फर्क लगा, सबसे पहले आज बात कर लेते हैं। महिंद्रा की लिफ्ट की सेटिंग में थोड़ी परेशानी आवे है, इसमें नहीं आती, इसमें सही चलता है। और चलाने की कंफर्ट की बात करें, तो आपको ज्यादा बेस्ट कौन सा लगा, मेस्सी या फिर महिंद्रा? भाई यू है, यू मैक्सी लगा मैं, मतलब महिंद्रा कम कंफर्टेबल है इसका। और ब्रेकिंग की बात करें मेस्सी के, तो ब्रेकिंग कैसी है ट्रैक्टर की? तो यहाँ कर दो टाइट, बिल्कुल नहीं रुक जाएगा, मतलब एकदम कैडी वाली ब्रेकिंग। हाँ, तो महिंद्रा की बेस्ट है, इसकी बेस्ट है? देखो हर टैंकर की अपने अपने में क्वालिटी अलग अलग होती है। बिल्कुल जी, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जैसे दोनों ट्रैक्टर आपने चलाए हुए, तो ज्यादा बेस्ट कौन सी लगी ब्रेकिंग की? कम्फर्ट तो आपको मेस्सी का बढ़िया, अगर बेस्ट जरूर महिंद्रा का है ब्रेकिंग। हाँ, मतलब ज्यादा बेस्ट ब्रेकिंग महिंद्रा बने हुए हैं। और क्या ऐसी चीज आपको लगी, आपको जो महिंद्रा से ज्यादा अच्छा लगता है ये ट्रैक्टर, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा किसान भाई को अपनी तरफ से बताएं। भाई इसमें महिंद्रा से सबसे बढ़िया अच्छा लगा इसकी लिफ्ट का। अच्छा, और तेल का? अच्छा, तेल का खर्चा भी? हाँ, महिंद्रा से कम है। अच्छा, महिंद्रा ज्यादा लेता है, तो महिंद्रा थोड़ा 100 ग्राम फालतू ले लेगा, कम ले लेगा, बस ये फर्क आता, इतना फर्क है। और लिफ्ट इसकी है, सेटिंग कर दो यहाँ वहीं चलेगी, उसकी नहीं हो पाती। अच्छा, उसकी बार बार उस पे रहता हाथ। और बात करें हम, आपने रूटर टीलर हैरो सब पे चला रखा है, तो हाँ। लोड पर भी चलाया आज तक ये ट्रैक्टर? हाँ, लोड पे चलाया है। किस चीज के लोड पर? टोनी खड़ी पीछे अपनी, इस पे चलाया है, 100 120 क्विंटल कर दिए इस पे, इससे बड़ी ट्रॉली हमारे गाँव में है नहीं। अच्छा, इससे बड़ी ट्रॉली गाँव में ही नहीं है? इससे बड़ी ना है, तो बिल्कुल आराम से ले जाता उस लोड को, 100 120 क्विंटल आराम से बिल्कुल करना खेत में से। जब 120 क्विंटल भरते हैं तो लगता है कि बिल्कुल ऐसे ले जाएगा आराम से, लगता हाँ। नहीं कि फंसेगा कोई, कुछ नहीं, मतलब आराम से बिल्कुल प्यार से। प्यार से तो खराब हो तो उस वक्त परेशानी आनी आनी है, चाहे कोई भी ट्रैक्टर हो, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। और हाँ, वो मतलब आराम से वैसे ले जाता नॉर्मल खेत में। हाँ। बात करें हम इसके लाइट के थ्रो की, आपने कभी रात में भी ट्रैक्टर चलाया होगा बिल्कुल, तो कैसा लाइट का थ्रो? बढ़िया, ठीक है, मतलब जैसे पुराने ट्रैक्टर है, पुराने ट्रैक्टर के हिसाब से ठीक है, बढ़िया है, नॉर्मल है? देखो पुराने हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, नए के हिसाब से नॉर्मल है? नॉर्मल है, मतलब अपने कर देता बढ़िया काम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती रात के टाइम। और बात करें आज तक आपने इसमें इंजन का कुछ काम कराया हो ट्रैक्टर के अंदर? ना, आज तक कोई काम नहीं कराया, मतलब इंजन छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी इतने साल में? नहीं।
तो बढ़िया ट्रैक्टर आप बढ़िया पूरे सेटिस्फाइड हैं इस ट्रैक्टर के साथ? हाँ जी बढ़िया एकदम। सर जैसे कि आपके पास महिंद्रा भी है मेस्सी भी है, आने वाले टाइम में आप अगर ट्रैक्टर चेंज करेंगे तो कौन से ट्रैक्टर पे जाना ज्यादा प्रेफर समझेंगे? मेस्सी का बड़ा मॉडल आ रहा उसे लेंगे। अच्छा मेस्सी के बड़े ट्रैक्टर पे ज्यादा पसंद करेंगे आप जाना, महिंद्रा के किसी बड़े ट्रैक्टर को इतना प्रेफर नहीं करने वाले? नहीं अभी नहीं। ऐसा क्यों? वो मेस्सी की अपनी अलग बात है। ऐसा क्या है मतलब क्यों किसान सबसे ज्यादा मेस्सी को पसंद करता, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। एक तो मैक्सी जो है बाकी जुताई करोगे उसमें सबसे बढ़िया बेस्ट है। अच्छा और ट्रैक्टर जुताई नहीं पर मुड़ नहीं पाते, क्यों मुड़ जाता है? ये मैकेनिकल स्टीयरिंग में पर ये तो चोट से हो पर बढ़िया रहता है ये। बढ़िया मतलब मैकेनिकल होने के बाद भी अच्छे से मुड़ जाता। अब जो नए आ रहे हैं वे और अच्छी, लेकिन पुराने हिसाब से मेस्सी खेत बाकी जुताई के लिए बेस्ट है। बढ़िया। और दूसरा और ट्रैक्टरों से 100 ग्राम तेल कम तो मतलब एवरेज बढ़िया जाता, अपने बढ़िया खर्चा पानी निकल जाता आराम से, अपने बढ़िया पैसा बच जाता। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाई आपने देखा हमने मेस्सी फर्ग्यूसन 241 DI जे सीरीज ट्रैक्टर आपको किसान भाई द्वारा इसकी सारी चीजें बताई गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच। और ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश आपके लिए करते रहेंगे। धन्यवाद।